हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। अभी हम द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में खड़े हैं और सावन का दूसरा दिन हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में। श्रद्धालुओं की धीरे धीरे कांवरियों भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो चुका है और केसरिया में बाबा वैद्यनाथ मंदिर का हो गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ देख सकते काफी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से भी, भक्तों से भी हम बात करेंगे। बाबा भोलेनाथ का पूजा किए क्या? ये बाबा भोलेनाथ का पूजा किए, कैसा लगा बाबा? अरे चुप हो गया, महिला बाबा इनसे जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ का पूजा किए, ये बताइए कैसा लगा? एकदम बहुत अच्छा लगा। मुझे ये कहना है कि जो भी श्रद्धालु आए जरूर देखे, जरूर बाबा का दर्शन जरूर करें। ये बताइए क्योंकि यहाँ का व्यवस्था आपको कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो काफी खुश नजर आ देख सकते हैं। काफी तादाद में यहाँ पे शिव भक्त श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए हैं क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है बाबा वैद्यनाथ और ये रामेश्वर धाम के रूप में भी कहा जाता है उसे। और यहाँ रावण के द्वारा यह लाया गया था यहाँ पे बाबा वैद्यनाथ का शिवलिंग और इसे बेजू के द्वारा जो है यहाँ स्थापित किया गया था। तो ये रामलिंग बाबा वैद्यनाथ है, यहाँ दूर दराज से देश के कोने कोने से पूरा श्रद्धालु और कांवरिया भक्त आते हैं, सुल्तानगंज से जल भर के आते हैं और बाबा को चढ़ाते हैं। यहाँ एक और महिला बम है, जानते हैं महिला बम, बताइए बाबा का पूजा किया कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इस बार इतना अच्छा सुविधा कहीं नहीं था, बहुत अच्छा लगा। तो स्पष्ट पूजा तो नहीं हो पाया चूंकि इस बार अवैध सिस्टम लगा दिया गया, नहीं आया वो, फिर भी बहुत अच्छा पूजा हुआ, बहुत अच्छा। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी मन बाबा से मांगो पूरा होता है, सच है क्या? सच है, तभी तो इतने दूर से लोग आते हैं पैदल चल के, जखम पैर में सूजन सारे चीज कष्ट करके बाबा तो जरूर मनोकामना पूरा करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ एक और बम है, उससे भी हम बात करेंगे। ये बताइए बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना किए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हम तो चार चार बार आ गए हैं और आते रहेंगे। बाबा ऐसे दुलाते रहे, ऐसे शक्ति देते रहे। बाबा का दर्शन किए खूब आनंद से किए, लेकिन इस साल हमको ऐसा 50 साल से आते हैं रोजाना, हर सावन में आते हैं, लेकिन इस साल हमको भीड़ कुछ ही नहीं नजर आ रही है क्योंकि सावनी मेला का दूसरा दिन है, तो निश्चित तौर पर भीड़ तो नजर नहीं आएगी। आप सुरक्षा का भी देख सकते हैं यहाँ पे चप्पे चप्पे में बंदी से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा और तैनात है और काफी जितने भी श्रद्धालु आए सुगमता पूर्वक जलाभिषेक कर सके इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर काफी संख्या में काफी तादाद में यहाँ शिव भक्त आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और देख सकते हैं निकास द्वार से सभी श्रद्धालु जो है निकलते हुए देख सकते हैं और सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। तो निश्चित तौर पर ये शिव भक्त है, ये आप देख सकते हैं काफी व्यवस्था है। डाक बम के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं किया गया, ये हम डाक बम से बात करेंगे। डाक बम आप लोग के लिए क्या कोई व्यवस्था है जिला प्रशासन से अलग किया? मैं यहाँ व्यवस्था नहीं किया हुआ है डाक बम का। दल कैसे ढारे अभी? कहाँ ढा रहे हैं? बारी आ गई, हम डालेंगे, मैं अंदर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और शिव भक्त और बाबा भोलेनाथ को अर्घ्य सिस्टम के जलाभिषेक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस देवघर।